shawl and a memento and took enough love and just... मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट मुझे गूंजती रहे। जनाब नवाब दीन साहब हमारे मेंबर, मैं चाहूंगी कि कृपया स्टेज। आई रिक्वेस्ट जीवन के हर क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं रहा, मैंने शुरू से कहा आपसे। अब एक कानून था कि अगर आर्चर्ड लगाना है तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की परमिशन चाहिए, काटना है तो भी चाहिए, लगाना है तो भी चाहिए। अब किसान को रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आज नहीं है तो जो काम देख रहा है, मैंने जो एडवाइज़र हमारे देख रहे हैं वहाँ तक जाए वो बेचारा बगीचा लगाने के लिए। ऐसे भी लैंडलॉर्ड थे जिनको बदल दिया। लोग कहते हैं साहब ये कानून सब गड़बड़ करते जा रहे हैं, ये मैं गड़बड़ नहीं करते जा रहा हूँ, मैं आम आदमी के हित का कानून बना रहा हूँ और ये बनाना मैं जारी रखूँगा। चार कैनाल से कम जमीन है तो वो किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता, ये कौन सा कानून है भाई? मैं गरीब हूँ, छोटा किसान हूँ, अगर दो ही कैनाल तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? यह किसी बड़े किसान को ही नहीं है तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगा सकता है। इस तरह की अनेक चीज़ों को बदलने की कोशिश की जा रही है और आप से मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको लगे कहीं गलत है तो मैं उसमें का आदमी नहीं, मैं तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश भी करूंगा और ईमानदारी से ठीक करूंगा। और मुझे लगता है कि एक बात मैं बड़े साफ तौर पर हर बात कहता हूँ कि भाई गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत, ये नीति किसी भी शासन की होनी चाहिए। जो गुनाहगार है उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो बेगुनाह है उसके साथ कोई छेड़छाड़ किसी को करने का अधिकार नहीं है। कोशिश से देखता हूँ। जब डॉक्टर अंद्राबी नॉमिनेट हुई थी तो उनका बयान मैंने पढ़ा, पहला बयान मुझे अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि केवल धार्मिक स्थलों के रख रखाव तक हम सीमित नहीं रहेंगे बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी मैं और हमारे ये जो नए सदस्य चुने गए हैं इनके लिए भी हम काम करेंगे। इस वक्तव्य के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप सब इसको मुकाम तक पहुँचाएंगे। आप सबके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में वक्त अपनी पहचान भी बना सके और यहाँ की आवाम के हित में काम कर सके, मैं समझता हूँ यही लोगों की आपसे अपेक्षा है। कहा गया मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि इस अभियान में न पैसे की न प्रशासन की किसी लापरवाही की कमी आपको नहीं होने दी जाएगी। अनेक कार्यक्रम हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के और प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड लागू हो जाने के बाद सेक्शन 32 अब प्रभावी हो गया है, यानी वक्फ की सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। वो न एलजी के पास है, न चीफ सेक्रेटरी के पास है, न डीसी के पास है, न डिविजनल कमिश्नर। तो मुझे लगता है कि अब ये नहीं चलेगा कि साहब हमको प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी रवायत है कि कह दीजिए कि सब तो वहाँ केंद्रित है। मैंने पहले इसीलिए कहा कि न उससे एक शब्द ज़्यादा और न एक कम। जो भारत के संविधान ने और देश की पार्लियामेंट ने आपको अधिकार दिए हैं वो पूरी तरह से आपको
एक बड़ी जिम्मेदारी है, वक्फ ऑफिस और मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया बना हुआ है जिसे हम वामसी कहते हैं। 2022 तक के आंकड़े हमने देखे हैं, अभी वक्फ की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड का काफ़ी डिजिटाइजेशन हुआ है 32,506 का। सभी सदस्यों से और डॉक्टर साहिबा से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आवाम की भलाई में कैसे लगाया जा सकता है, एक बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने में इसका क्या उपयोग हो सकता है, ये निश्चित रूप से यही अपेक्षा जम्मू कश्मीर के लोगों की है आपसे, यही अपेक्षा भारत सरकार की है या हम सबकी है। केंद्र सरकार शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना कार्यक्रम भी चला रही है और उसके अंतर्गत समाज कल्याण के भी अनेक कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। हम इंशाअल्लाह काम करेंगे क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहकर काम कर कर दिखाते हैं, हम उनके सिपाही हैं और खासकर हमारे बड़े भाई हमारे गवर्नर साहब यहाँ के जो हमारे मार्गदर्शन भी हैं और हम उनके सरपरस्ती में जो काम करेंगे वो सही होगा और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा। और वक्त जो शायद बहुत ही जिसके पास असासा है, लेकिन कुछ असासा हम यहाँ पे वो पॉलिटिक्स नहीं करने आए हैं, हम ये कहेंगे जिनके पास भी है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब की मदद से वो असासा अब वक्फ बोर्ड के पास वापस आएगा।